इवनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 11th की फिजिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। जी हाँ, अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक कंटिन्यूटी का वीडियो लेक्चर है। यानी व्हाटएवर थिंग्स वी डिड इन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, वी कवर्ड द इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। एंड हमने उस वीडियो में ये सीखा था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है एंड क्लास 11th में फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। अब हमने उस वीडियो लेक्चर को एंड किया था एक फॉर्मूले के साथ, आज हम कुछ और नए फॉर्मूलास को सीखेंगे। तो हमारे लिए देखना ये जरूरी है कि इंटीग्रेशन में और ऐसी क्या चीजें हैं जो अब तक कवर नहीं हुई हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेक श्योर दैट यू हैव सीन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेकंड वीडियो लेक्चर। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको बहुत जल्दी कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या किया है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था इंटीग्रेशन। तो हमने बहुत सिंपल शब्दों में समझा था कि इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी छोटी क्वांटिटी को बड़ा बनाना। यानी जो हमने बेसिक मतलब समझा था वो ये समझा था, छोटी क्वांटिटी को बड़ा बनाना, यानी हम छोटी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। सर साफ साफ कहिए ना कि आप उस क्वांटिटी के स्मॉलर वर्जन से हम उस क्वांटिटी के बिगर वर्जन की ओर जा रहे थे। इंटीग्रेशन में हमने यही सीखा था। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस कि अब हमने पिछली क्लास में जो एक बेसिक फॉर्मूला सीखा था वो बेसिक फॉर्मूला मैं आपको रिपीट करूंगा यहाँ पे, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कि और क्या नई चीजें हैं जो हमें इंटीग्रेशन में जाननी है। तो बेसिक फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में यह सीखा था कि अगर दुनिया की कोई भी क्वांटिटी है एक्स का पावर एन, इस तरह की कोई भी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन के साथ उसका समान होगा। यानी वो चीज जिसके रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, dx। तो यहां पे इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना कि x का पावर n एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, dx के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। और इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि दुनिया की कोई भी क्वांटिटी की शक्ल अगर ऐसी हो x का पावर n जैसी, जहां पे n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर n का पावर माइनस हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। n का पावर अगर पॉजिटिव है, n का पावर अगर मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है बट नेगेटिव नहीं है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दुनिया का कोई भी क्वांटिटी जिसकी शक्ल है x का पावर n जैसी, उसका आंसर होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में हम आंसर में c लगा देते हैं, जहां पे c को हमने पिछली क्लास में एक नाम दिया था, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि c लगाना जरूरी नहीं होता, कई बार आप देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर सी लगाने से ही काम बनेगा, कुछ बुक्स के अंदर सी लगाने से काम नहीं बनेगा। यानी जहां जहां हमें लगेगा सी हमारे काम आ रहा है वहां पे हम सी लगाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट किया आपने x का पावर n को dx के रिस्पेक्ट में एंड आपने आंसर पा लिया बाय जस्ट अप्लाइंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, आज आपको एक बार फिर से एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको एक बार ये पुरानी बात याद आ जाए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेट करके दिखाइए, क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेट करके दिखाइए और यहां पे क्वांटिटी थी y इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² - 7 फॉर एग्जाम्पल। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का आइडेंटिफिकेशन उसके सिंबल से होता है। अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी में x इस्तेमाल हो रहा है तो x का मतलब वो डिस्टेंस की क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी में t इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब वो टाइम की क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी में m इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब वो मास की क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी में v इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब वो वेलोसिटी की क्वांटिटी है। और यहां पे साफ पता चल रहा है कि यहां पे जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है वो t है, यानी ये टाइम की क्वांटिटी है। तो इसको इंटीग्रेट करना हमें, क्वेश्चन आया है कि इंटीग्रेट करिए कि कोई भी क्वांटिटी t को रिप्रेजेंट किया जा रहा है y से, तो हम यहां करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2t³ किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t² किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -7 किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाती है, तो यहां पे 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किया किसका, t³ का dt के रिस्पेक्ट में, 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करा किसका, t² का dt के रिस्पेक्ट में, -7 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करा dt का। तो अगर इस चीज को कंटिन्यू किया जाए तो ये चीज कैसे दिखेगी, ध्यान से देखिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t³ dt के रिस्पेक्ट में प्लस
3 बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डीटी के रिस्पेक्ट में, -7 बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ किसका डीटी का। तो जरा फोकस कीजिएगा, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला, नथिंग एल्स। तो 2 एज इट इज नीचे आ गया, टी का पावर क्यूब। सर आपने कहा था कि अगर किसी भी क्वांटिटी की शक्ल है ऐसी तो फॉर्मूला सीधा ये लगा देना, यहां पे शक्ल क्या है, एच का पावर एन है, यानी टी का पावर क्यू है। तो मैं लिखूंगा टी का पावर 3+1 अपॉन 3+1 एंड ब्रैकेट में मैंने इसको एनक्लोज कर दिया, +3 मल्टीप्लाइड बाय टी का पावर 2+1 अपॉन 2+1 मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया एंड -7 इंटीग्रेशन ऑफ डीटी क्या निकल गया है, सिर्फ टी निकल गया है। तो मेरा आंसर हुआ 2 टी का पावर 4 अपॉन 4 +3 टी का पावर 3 अपॉन 3 एंड -7 टी, कैंसिल कैंसिल, हमारे पास 2 आ गया, टी का पावर 4 अपॉन 2 +3 से 3 कैंसिल हुआ +टी क्यूब -7 इज द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी जिसकी शक्ल थी ऐसी और आंसर हमें मिला ऐसा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बट यहां पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्वेश्चन की शक्ल इक्वेशन जैसी, आंसर की शक्ल भी इक्वेशन जैसी, तो इसमें ये पता कहां से चल रहा है कि ये इंटीग्रेशन हुआ, सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई तो कर दिया ना। देखिए वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन की थोड़ी सी और गहराई में जाना पड़ेगा। अब कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता है, दिस इज वेरी सिंपल, फॉर्मूला समझा, वैल्यू देखी, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर पा लिया, तो इतना सिंपल क्वेश्चन हमेशा आए ये जरूरी नहीं है। अब हम सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। सर विद इन लिमिट्स का मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैंने आपको कहा कि आप बिल्डिंग बनाइए तो आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि बिल्डिंग कितनी ऊंची बनानी है। तो मैंने कहा बिल्डिंग को आप 4 मंजिला बना लीजिए, आप कहेंगे क्या बिल्डिंग में बेसमेंट तैयार करना है, मैं कहा हाँ बिल्डिंग में आप 2 बेसमेंट तैयार कर दीजिए। तो बिल्डिंग में अगर हम उसके ग्राउंड फ्लोर को 0 लेवल लेके चलते हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बिल्डिंग के लोअर लेवल में 2 फ्लोर बनेंगे, क्योंकि 2 बेसमेंट बनेंगे तो बिल्डिंग में 1 फ्लोर -1 बनेगा, बिल्डिंग में 1 फ्लोर -2 बनेगा एंड देन बिल्डिंग में 4 फ्लोर ऊपर बनेंगे, तो टोटल फ्लोर गिनती के देखा जाए तो 6 हो गए। जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने की कंस्ट्रक्शन के दौरान हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बिल्डिंग की लोअर लिमिट क्या जा रही है और हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि बिल्डिंग की अपर लिमिट क्या जा रही है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स के अंदर जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के दौरान आपको क्वेश्चन कई बार लिमिट्स प्रोवाइड करेगा कि इस चीज को इंटीग्रेट कीजिए विद इन लिमिट्स, यानी आपको लिमिट्स दी जाएंगी और उन लिमिट्स का इस्तेमाल करके चीजों को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स कैसे करते हैं। बेसिक फंडा वही है कि आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में और फॉर्मूलाज नहीं है, और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको वो भी बताए जाएंगे, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। तो देखिए जरा कैसे करते हैं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स के अंदर क्वेश्चन की शक्ल कैसी होगी, आई मीन टू से कि क्वेश्चन कैसा दिखेगा, तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा उस पर फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन आया, इंटीग्रेट करके दिखाएं 2x² + 7x - 3 को x = -1 से लेके x = +1 तक। ये क्वेश्चन ने कह दिया कि इसको इंटीग्रेट करें इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक। तो वेरी सिंपल, हम ध्यान देंगे, देखो जरा स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन किसका 2x² का, किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट, dx के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसका 7x का, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसका -3 का, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। कहां से वैल्यू जा रही है, x का पावर -1 से लेके x का पावर +1 तक, x की वैल्यू -1 से लेके x की वैल्यू +1 तक, x की वैल्यू -1 से लेके x की वैल्यू +1 तक। अब जरा नोटिस करिए, यहां पे 2 बार आ गया, इंटीग्रेशन किसका किया हमने x² का, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। कहां से x की वैल्यू -1 से लेके x = +1 तक चल रहा है। सर 7 बार आ गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आएगी। इंटीग्रेशन किसका किया x का, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। कहां से -1 से लेके कहां तक +1 तक, हमने -3 बाहर निकाला। इंटीग्रेशन किसका dx का, कहां से लेके कहां तक -1 से लेके +1 तक। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल देखनी है, अगर क्वेश्चन की शक्ल फॉर्मूला से मिलती जुलती है तो आपको अप्लाई कर देना है। और अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया तो उसके बेसिस पे तो एक ही बार ये अप्लाई हो रहा है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 2+1 अपॉन 2+1 ब्रैकेट लगाई, कहां से लेके कहां तक -1 से लेके +1 तक, +7 ब्रैकेट में x का पावर 1+1 अपॉन 1+1 कहां से लेके कहां तक -1 से लेके +1 तक, -3 dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ सिर्फ x हुआ, कहां से लेके कहां तक -1 से लेके +1 तक। अब ध्यान से देखिए 2 * x का पावर 3 / 3 और इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे -1 से लेके +1 तक,
प्लस 7 ब्रैकेट में देखिए x का पावर 2 अपॉन 2 कहां से लेके कहां तक माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक माइनस 3। अब यहां पर सिर्फ x है बेटा, जब भी इंटीग्रेट करने के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स को पुट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपर लिमिट को पुट करना, देन उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करते हैं, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में माइनस का साइन आएगा। तो फोकस कीजिए, यहां पे x की जगह अपर लिमिट पुट करी मैंने प्लस 1 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो जरा यहां देखिए सर, 2 * x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, और यहां हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। सर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 2 यानी कि 1 का पावर 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज हो गई, माइनस 3 एंड ब्रैकेट में प्लस 1 एंड प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एसनो। इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं उस तरफ, तो जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां मैं कंटिन्यू करके दिखा रहा हूं चीज को, तो जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा कैसे ये चीज कंटिन्यू हो रही है। तो देखिए यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2, क्या था हमारे पास 2, यहां पे 1 का क्यूब अपॉन 3 है तो उसका मतलब ब्रैकेट में क्या आया मेरे पास 1/3 आया, माइनस माइनस 1 का क्यूब करा तो -1 * -1 * -1 विल बिकम -1, -1/3 को माइनस मल्टीप्लाई करा तो इट बिकम्स प्लस 1/3, तो ये कम हो गया प्लस 1/3 प्लस 7 हमारे पास यहां चल रहा है, हमारे पास यहां 7 में आप फोकस कर सकते हैं, और प्लस 7 में 1 का स्क्वायर अपॉन 2 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 में 7 को मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा इट बिकम्स 1/2 एंड देन -1/2 का स्क्वायर करा तो -1/2 का स्क्वायर करा तो क्या मिलेगा हमें 1/2, 1/2 के आगे माइनस का साइन आएगा तो इट बिकम्स -1/2 and then this becomes -3, this becomes -3 and bracket में 2। तो देखिए आया क्या है, एक बार यहां भी लिख के दिखा देता हूं आपको, तो 2 multiplied by 1/3, इसको सॉल्व किया तो 1/3, इसको सॉल्व किया तो -1/3, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1/3, तो प्लस 1/3 प्लस हमारे पास 7 आ गया, यहां पे किया तो हमारे पास क्या आया 1/2 आया, इसको सॉल्व किया तो 1/2 आया लेकिन ये -1/2 हो गया और यहां -3 हो गया, ब्रैकेट में ये 2 हो गया, देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर सॉल्व किया जाए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय बिकम्स 2/3 एंड -3 * 2 बिकम्स -6, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 -6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया ये 4 -18 डिवाइडेड बाय 3, तो 18 में से 4 चले गए तो आंसर कम्स आउट टू बी -14/3 इज गोइंग टू बी द आंसर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि किस प्रकार इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट करने के बाद, उसके बाद हमने लिमिट्स पुट करी, लिमिट्स पुट करने के बाद जो क्वेश्चन की शक्ल एग्जैक्टली इक्वेशन जैसी थी उसका आंसर इक्वेशन जैसा नहीं आया, यानी लिमिट पुट करने के बाद क्वेश्चन की शक्ल भी चेंज हो जाती है एंड वी फाइनली गेट सम एल्जेब्रिक वैल्यू, वी फाइनली गेट सम नंबर वैल्यू एंड देयरफॉर द आंसर हियर आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स विल कम आउट टू बी 14/3। आई होप दिस इज क्लियर टू विद द माइनस साइन, सो इट बिकम्स -14/3। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इतनी ही सिंपल है, बट अगर आपको ये टेक्निक क्लियर हो गई है सो यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस टेक्निक टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर फार्मूला तो सिर्फ आपने अभी तक एक यही सिखाया है, क्या और फॉर्मूलाज नहीं है इंटीग्रेशन में? ऐसा नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन में और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं यहां पे आपको इस वीडियो लेक्चर में उन फॉर्मूलाज के बारे में बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन की शक्ल में फॉर्मूले ऐसा हुआ या शक्ल ऐसी हुई तो क्या अप्लाई करना है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज सिखाई है, तो देखिए हम अभी सीखने जा रहे हैं सम अदर फॉर्मूलाज, यानी अभी हम जानेंगे कुछ नए फॉर्मूलाज, हम जानेंगे तो कुछ नए फॉर्मूलाज क्या होते हैं उस पे आप फोकस कीजिएगा। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नई है, कुछ नए फॉर्मूलाज, पहले हम बात करते हैं उसके लिए जो हमें पता है। तो सर सबसे पहली चीज हमने सीखी कि अगर सपोज कीजिए, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए क्वेश्चन की शक्ल कैसी होगी, अगर मान लीजिए टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूं तो यहां पे आएगा आपका टाइप, क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ठीक है, और यहां पे आप बात करेंगे क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा है। अगर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में जिस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है उसकी शक्ल है ऐसी, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx के रिस्पेक्ट में गिव्स यू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। सर अगर माइनस 1 होता तो अगर ये x का पावर माइनस 1 होता तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर माइनस 1 dx के रिस्पेक्ट में बन जाता इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx के रिस्पेक्ट में, और इसका आंसर आता है log ऑफ x। इतनी बात सबको क्लियर हो गई,
ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि अगर x का पावर माइनस वन क्वेश्चन की शक्ल होगी तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर सपोज कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में क्वेश्चन आया, आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, तो देखिए अगर क्वेश्चन आया साइन ऑफ x, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx के रिस्पेक्ट में इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, अगर आया cos x तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू sin x प्लस c। आई होप ये इज क्लियर टू यू। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सी चीज पता चल गई, मैंने बेसिक आपके सामने चार फॉर्मूला लिखे, एक फॉर्मूला लिखा मैंने x का पावर n, जिसमें हमें समझ आया कि x का पावर n का जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमारे पास ये होगा, दूसरा हमें समझ आया कि अगर x का पावर माइनस वन होगा तो आंसर हमारे पास ये होगा, तीसरा हमें क्लियर हो गया कि अगर सपोज कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो साइन एक्स वाली टर्म होगी तो उसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स। दूसरा अगर हमारे पास मान लीजिए कोई टर्म हुई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, साइन एक्स। अब और क्या हो सकता है, एक और टर्म समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में बिकम्स टैन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। अगर मान लीजिए हमारे पास आया है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में बिकम्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन में शक्ल ऐसी भी आती है secant x tan x, अगर इस शक्ल का क्वेश्चन आया तो इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx के रिस्पेक्ट में द वैल्यू कम्स आउट टू बी जस्ट secant x प्लस कांस्टेंट टर्म। सर कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि cosec x और cot x दोनों साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x और cot x dx के रिस्पेक्ट में विल गिव अस माइनस cosec x प्लस c। तो आप देखिए एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि इंटीग्रेशन को करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल पे ध्यान देना है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलास, फॉर्मूला और भी हैं लेकिन मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में जो फॉर्मूला बताए हैं दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलास फॉर क्लास 11 फिजिक्स। तो आपको 11th क्लास की फिजिक्स में या 12th क्लास की फिजिक्स में जब भी आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो किस क्वांटिटी का क्वेश्चन है, चेक कीजिए कि क्या की शक्ल किसी फॉर्मूले से मैच कर रही है। अगर वो क्वेश्चन की शक्ल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से मैच कर रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आप सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला को देखिए और आंसर को ले आइए। सिमिलरली अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। हाउएवर यहां पे मैं आपको बता दूं कि कौन से फॉर्मूला आपके लिए याद रख पाना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे आप याद रखिए तो जरूरी है, इसे भी याद रखिए जरूरी है, इसे भी याद रखिए जरूरी है, इसे भी याद रखिए जरूरी है, इनका इस्तेमाल भी होगा लेकिन दीज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्मूलाज जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा इंटीग्रेशन को करने में। सो आई होप अब आपको दो वीडियो लेक्चर से एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, 11th क्लास में इंटीग्रेशन करते कैसे हैं और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलास कैसे हैं। इट इज माय एडवाइस कि सिर्फ आप इन फॉर्मूलास को देखने के बाद या इस वीडियो के थ्रू इसे समझने के बाद ये मत सोचिएगा कि इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम वट एवर क्वेश्चन हैव बीन गिवन टू यू इन योर प्रैक्टिस क्लास। तो जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्लास में दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करके आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। सो इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लास 11 फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी कम्स टू नो व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। वॉच अस, लाइक अस, शेयर अस, सब्सक्राइब अस एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू चिल्ड्रन।